जहाँ जगह ये कहा जा रहा हूँ मैं, ये कहा जा कह रहा हूँ मैं, जहाँ जगह मिल रही है भाग भाई। अबे नहीं 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 नहीं, अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी भागो, अबे कहाँ जाऊँ मैं। ओह शिट, राम राम, नमस्कार, कैसे आप सारे सारे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में फिर एक बार, जिसका नाम है LPG नॉट प्ले गेम्स। तो आज हम चलने वाले हैं एक टॉय फैक्ट्री की सैर करने। उस टॉय फैक्ट्री की खासियत यह है कि वो सालों से बंद पड़ी है, यही खासियत है उसकी। तो इस टॉय फैक्ट्री में बहुत सारे खिलौने होंगे, बहुत सारे गेम्स होंगे, रंग बिरंगी चीज़ें होंगी, बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन ट्विस्ट बस इतना सा है कि ये फैक्ट्री कई सालों से बंद पड़ी है और इस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग अचानक से कुछ साल पहले गायब हो गए थे और तब से इस फैक्ट्री पर लगा हुआ है एक ताला जो आज तक खुला नहीं है। और हम इस ताले को खोल के इस फैक्ट्री में जाने वाले हैं। तो देखते हैं इस फैक्ट्री में जाने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, क्या हम इस राज को सुलझा पाते हैं कि फैक्ट्री क्यों बंद है और जो उस सालों पहले जो लोग खोए थे वो क्यों खोए थे और कहाँ है अब वो, या है भी या नहीं। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए इस गेम में चलते हैं और इस गेम में होने वाला है बहुत सारा हॉरर, बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा फन और बहुत सारा एक्साइटमेंट। तो क्या तुम सब तैयार हो मेरे साथ चलने के लिए, कमेंट मत करके जरूर बताना। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट गेम में एंटर होते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके ठीक है, चैप्टर 1 अ टाइट स्क्वीज। ठीक है चलो हम गेम शुरू करते हैं। और गेम स्टार्ट हो चुका है। ओके और ये क्या हो रहा है, अजीब सी आवाज़ें। ये एक ओके ठीक है, ये किसी तरह की पुरानी वीडियो यहाँ पे आ गई है। ओके यहाँ ओके, पॉपी नाम की कोई डॉल है जिसके बारे में बता रहा है कि उन्होंने एक ऐसी डॉल बनाई जो इंसानों से बातें कर सकती है, उस टाइम की AI डॉल। देखा AI पुरानी चीज है ना। ओके ठीक है, ओहो इस तरह के खिलौने बचपन में हमने ही बहुत खेले हैं जिनमें कुछ बंदर भी हुआ करते थे, जिनकी पीछे की रस्सी अगर आप खींचोगे तो बंदर जोर से तालियां बजाएंगे। ओके पॉपी फ्लावर, पॉपी प्ले टाइम, ये ओके तो ये फैक्ट्री है जहाँ पे टॉयज बन रहे हैं। ठीक है, फैक्ट्री टूर। ओके ये सच्ची स्टोरी है जिस हिसाब से एडवर्टाइजमेंट ये सब दिख रहा है, ऐसा लगता है सालों पहले बना है। ओके ओके यहाँ पे एक फ्लावर बना हुआ है, देखने से ऐसा लग रहा है जैसे किसी रॉकेट लॉन्चर वाली जगह हो, रॉकेट लॉन्च होता हो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट, पॉपी प्ले टाइम। ओके तो हमारे पास यहाँ पे एक टेप है, पुराने जमाने की कैसेट तुम कह लो इसको, और यहाँ पे एक लेटर लिखा है जिसपे लिखा हुआ है एवरीवन थिंग द स्टाफ डिसअपीयर 10 ईयर एगो, वी आर स्टिल हियर, फाइंड द फ्लावर। समझे, मतलब हम यहाँ पे एक एक्स एम्प्लॉय हैं, हम इस कंपनी में सालों पहले काम किया करते थे, पर भाई साहब अब किसी ने हमको चिट्ठी लिख के बताया है कि सबको लगता है कि यहाँ का स्टाफ 10 साल पहले खो चुका है, पर हम खोए नहीं हैं, हम स्टिल यहाँ हैं, तुम्हें आना होगा हमें ढूंढने के लिए। ओके तो हम आ गए भैया, तुमने बुलाया हम चले आए जान हथेली पर लेके, है ना। ओके ठीक है, तो ये फैक्ट्री के अंदर हम आए हैं, ये रिसेप्शन लग रहा है मुझे, रिसेप्शन एरिया वेलकम कर रहा है हमारा ये नीला सा भाई। ओके यहाँ पे डायनासोर्स की फोटोज लगी हुई है, तो यहाँ पे ये हिस्सा थोड़ा डरावना है। ओके अंधेरा हो रखा है, ये हिस्सा थोड़ा डरावना है आप कह सकते हैं ऐसा, ठीक है कोई बात नहीं। तो कहाँ से शुरू करते हैं, शुरू कहाँ से करें, कहाँ चलें। रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे एक PC है, यहाँ पे PC पड़ा हुआ है, यहाँ पे कीबोर्ड माउस है, यहाँ पे एक पेन होल्डर है, एक यहाँ पे को टेप पड़ी है, इस टेप पे क्या लिखा हुआ है, लेट्स सी, लेट
पेरी क्लोजिंग, पता नहीं क्या है, इसको ले सकते हैं? ओके ओके, तो हमने इसे ले लिया है, पर करना क्या है इसका? एक सेकेंड, यहाँ पे एक प्लेयर है, यहाँ पे एक टीवी है, इसमें प्ले करके देखते हैं, कोई अच्छी मूवी दिखाना भाई। हेलो, ये अपनी कंपनी की बड़ाइयाँ कर रहा है, बता हम तुमको टूर कराने वाले हैं। तो ये भाई हमें बता रहा था, ये कोई पुरानी टेप थी जिसमें ये जो आते थे यहाँ पे मतलब फैक्ट्री की टूरिंग पे, उनको ये बताता था कि भैया ऐसा है, देखो यहाँ ऐसे घूमा जाता है, वैसे घूमा जाता है, ये है वो है, और एक तरह की धमकी भी दे रहा था कि जो मेरे कुछ खास समझ में आई नहीं है क्या धमकी दी है इसने, लेकिन वार्निंग वार्निंग करा था, मुझे समझ में आया। अपनी अंग्रेजी जेठालाल जैसी है ये, क्या है? ओ भाई साहब, एक खिलौना लग रहा है। ओह शेट, इसकी हालत तो बहुत ख़राब लगती है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस खिलौने को मारा हो, लेकिन खिलौने को कोई कैसे मार सकता है यार। कम ऑन, ये रही वो गुड़िया की फ़ोटो, पॉपी वांट्स टू प्ले, जैसी शक्ल है वैसा हमको डर लग रहा है। ये खुलेगा कैसे? हेलो, ओके, यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है, मुझे लगता है इसके ज़रिए हम इसे खोल सकते हैं। लेकिन ये खोलेंगे तब जब हमें कलर्स पता होगा, सिंपल है। फ्लोर पे बहुत सारे कलर्स भले ही है, लेकिन दो बार रेड एक बार ग्रीन, यहाँ कहीं भी चार एक साथ है ऐसा कहीं नहीं है, कहीं एक एक है, कहीं तीन है, तो कहीं तीन है, ओके, कहीं दो भी है, ठीक है। यहाँ पे हर तरफ यही है, इस चीज़ से पता लगाना बहुत मुश्किल है, हो सकता है इस टॉय का कोई कनेक्शन हो। चलो, हेलो, ओके, हम इस टॉय को नहीं उठा सकते, खाली इसको देख के डर सकते हैं, ऐसा कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ होगा, डेफिनेटली होगा। ये क्या जगह है? ओके, इसके अंदर भी हम नहीं जा, वहाँ पे एक पंजे का निशान है, ओके, तुम्हें क्या लगता है ये पंजे का निशान किस चीज़ का होगा? यहाँ पे बिल्कुल अपने अंदर जाने के लिए मुझे लगता है किस तरह की टिकट लगती होगी, ये दोनों जगह अंदर और बाहर आने के लिए टिकट दो तभी लॉक खुलता होगा, ठीक है। ये भीड़ तो किसी काम की नहीं थी, बंद कर इसको। यहाँ पे स्टिल अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही है आजू बाजू में से, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई आरी से लकड़ियाँ काट रहा हो। ओके, यहाँ पे ये गेट खुला है एटलीस्ट, और यहाँ पे कुछ सामान भी है, ये कुछ पैकिंग के डिब्बे जैसा लग रहा है, ये क्या है? देखो यार, हर चीज़ को बारीकी से देखना बहुत ज़रूरी है। बुगी बॉट, ऐसा एक टॉय आजकल मिलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, काफ़ी महंगे आते हैं टॉयज लेकिन अच्छे हैं। तो हम ये सब इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये हॉरर गेम है, और यहाँ पे एक छोटी छोटी चीज़ भी हमारे लिए हिंट हिंट हो सकती है। अच्छा, ये लकड़ी की आरी जैसी आवाज़ इससे आ रही थी, इस ट्रेन से, ओके, मुझे लगा था कोई हॉरर भूत है जैसे अजीब सी आवाज़ें कर रहा है, ठीक। ओह, मैंने उछाला, सॉरी, डर गए भाई साहब। ये ट्रेन है, इस पर एक एरो बनी हुई है, राइट, जो हमें आगे जाने का इशारा करती है। एक एक सेकेंड, इसमें तीन कलर है, पिंक येलो रेड, पिंक येलो रेड, पिंक येलो रेड, पिंक येलो रेड, ओके, पिंक येलो रेड, पिंक येलो रेड। एक बार ट्राई किया जाए तो आजमाने में क्या जाता है। पिंक कलर कौन सा है? पिंक येलो रेड, कुछ भी तो नहीं हुआ। नहीं, कोई तो बात है। यहाँ पे चार कलर्स अपन को चूज़ करने हैं, उसके अंदर तीन ही डिब्बे हैं। एक सेकेंड, इंजन का कलर भी होगा क्या? इंजन ग्रीन कलर का है, ग्रीन पिंक येलो रेड, ग्रीन पिंक येलो रेड, ग्रीन पिंक येलो रेड, क्या आ गया बीच में? ओके, ग्रीन पिंक येलो और रेड, याद रखना कलर, ठीक है, ग्रीन पिंक येलो रेड, ग्रीन पिंक येलो रेड, ओके, ग्रीन पिंक येलो रेड, ओके, कमाल हो गया ये तो। ओके, पहला हमने क्लू बहुत अच्छे से पहचाना और फाइनली हम अंदर आ चुके हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर ये सालों से बंद पड़ी है तो ये लाइटें क्यों चालू है? इनका बिल कौन भरता होगा? छोड़ो, यहाँ पे कुछ ये क्या है समझ नहीं आ रहा, देखने से तो कोई ख़ास मुझे ये चीज़,
ये किसी तरह का बैग जैसा नहीं लग रहा, ऐसे कंधे पे टाकते हैं वो तुमने देखा है वो किसान अपने कंधे पे टाके, मशीनों मशीन होती है जैसे वो खेतों में क्या कहते हैं उसे, अरे यार वो खेतों में दवाइयाँ नहीं छिड़कते, यूरिया, उस सब से चीज़ लग रही है। ओके, वहाँ पे हमने देखी थी, यहाँ पे एक फिर से एक टेप है और हमने ये टेप इसमें डाली और फिर से कोई वीडियो स्टार्ट होने वाली है, लेट्स सी। ओके, प्ले टाइप कॉर्पोरेशन ग्रैब पैक, देखा मैंने कहा था ना ऐसी कोई चीज़ होगी है। ओके, बस मैं दवाई की जगह यहाँ पे दो हाथ है, मतलब दो दवाई छिड़कने वाली पिचकारियाँ होती है ना उसकी जगह दो हाथ है यहाँ पे, राइट। तो पुल ट्रिगर टू फायर, पुल अगेन टू रिट्रैक्ट। ओके, मतलब दूर पड़ी लंबी चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए ये बनाया, जहाँ इंसान का हाथ नहीं जा सके वहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके कूल, ओह माय गॉड, हाँ इन्होंने बताया है कि खतरनाक भी है, किसी इंसान को इससे अच्छी खासी चोट लग सकती है, ठीक है। ओके थैंक यू, यूज़ योर ग्रैब पैक रिस्पॉन्सिबली, हाँ हाँ बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ हम निभाएंगे, तुम चिंता मत करो, हम इस गेम खेल ही इसीलिए रहे हैं, है ना, जिम्मेदारियां निभाने के लिए। ओके, इस वीडियो के देखने के बाद कोई पासवर्ड होगा पक्का जिसकी वजह से खुल गया खुद पे खुद, लाओ भैया। ओके ठीक है, हाँ हाँ ओके, ये हमने कुर्सी पकड़ी, फेंक नहीं पा रहा है कुर्सी को लेकिन ठीक है, पर ये एक ही हाथ है, जहाँ तक मुझे लगता है दो हाथ होने चाहिए थे, राइट, ये क्यों एक ही हाथ है, नो आइडिया, चलो चलते हैं, यहाँ पे खिलौना था ना, देखते हैं से पकड़ सकते हैं क्या, आहा कहाँ गया, अच्छा ये रहा, ये रहा, ओ भाई साहब कहते हैं इसको देख के ऐसा लगता है किसी ने मस्त विमल पान मसाला खा के थूका उसके ऊपर, बोलो जुबा केसरी। ठीक है। ओके चलो छोड़ो, तो अभी क्या हमसे उसके अंदर जाके हमने एक इसके कपड़े लिए, दैट्स इट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वहाँ पे एक हाथ है ना, एक मिनट रुको 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 रुको, वेट अ मिनट वेट अ मिनट, वहाँ तक हाथ जाएगा हमारा, लेट्स ट्राई, एक वंस मोर, एक और कोशिश, यार सही जगह नहीं बैठ रहा है, क्यों ऐसा, नहीं, उस साइड से ट्राई करते हैं, ये इस साइड से हो नहीं रहा है, ठीक है। ओके हो गया फाइनली, बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाज, ठीक है, पर वो सब तो ठीक है, वहां पे उन्होंने गेट खोल के दिया हमें, ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन हम वहां तक जाएंगे कैसे, इस चीज को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी तरह की टिकट की जरूरत, हम जंप मार के जा सकते हैं, एक मिनट ये क्या, बस जंप लगानी थी। ओके ये थोड़ा डरावना नहीं लग रहा, हेलो अंकल, वापस बंद कर दे रे, गेट वापस बंद कर दे, बंद नहीं हो रहा, शेट, सही में यार माहौल हर चीज को डरावना बना सकता है, ये चीज मैंने देखी है, ये माहौल देखो, इस टॉय की शक्ल देखो, अगर यही इसका माहौल कुछ अलग होता, यहाँ पे हरी भरी घास उगी हुई होती, सूरज निकला होता, घने बादल होते और एकदम खुशनुमा मौसम होता, चिड़िया चहचहा रही होती, तो यही खिलौना कितना अच्छा लगता, और वही यहाँ का वातावरण देखो, यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट देख के, और फिर इसको देखो भाई साहब, कहते चीखे निकल जाती है यार, ठीक है चलो कोई बात नहीं, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन इतना पढ़ने का टाइम नहीं है भाई, इतनी पढ़ाई करनी स्कूल में ही नहीं की, अब क्या करेंगे। ओके ओके, यहाँ कुछ गेट्स है पर सबके सब बंद है, यहाँ पे ब्लू हाथ हम लगाएंगे तो एक गेट खुलेगा, वहाँ पे रेड और ब्लू दो हाथ दिखाया हुआ है, हमारे पास सिर्फ ब्लू हाथ है, रेड हाथ हमें तक मिला नहीं है, टेस्टिंग करके भी कुछ लिखा हुआ है, छोड़ो जो बंद है उसके पीछे दिमाग ना लगाते, इसको 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 करें क्या
ओके कोई बात नहीं, जो नहीं है उससे अच्छा जो ये क्या हुआ? क्या हुआ ये? मुझे लगा था इससे खुल जाएगा, पर यहाँ तो कुछ और ही हो गया, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है यहाँ। स्टिल ये तो बंद है, यहाँ पे पावर कट हो गया है किसी तरह से। ओके तो अब क्या करेंगे हम? पावर कट हो गया तो भैया कैसे निकलेंगे यहाँ से? एक मिनट, शॉर्ट सर्किट हुआ है, क्या किया जाए? कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ यार, ये चीज़ सही में कंफ्यूज। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे तुम्हें कोई बटन दिख रहा है? ये बटन ये तुम्हें ही लग रहा है कि मुझे ही बटन? ओके ओके, बहुत ही डरावनी आवाज़ें हैं भाई साहब। एक मिनट, इसके हाथ में किस तरह की चाबी लटक रही है? ओके हमने एक चाबी ले ली भाई साहब। ऐसा कौन यार, ऐसा म्यूजिक कौन लगाता है किसी खिलौने के पास? थोड़ी तो सोचो। ओके तो उस चाबी से, थैंक यू भैया, तो इस चाबी से हमने गेट खोला और यहाँ पे लिखा है स्टाफ ओनली। हाँ भैया स्टाफ थे पहले, अब नहीं है, पहले थे, एक्स स्टाफ कह लो तुम। ओके अब हम इस रूम में आ चुके हैं, काफ़ी फलाना ढिमकाना लिखा हुआ है इसके ऊपर। कहने का मतलब इसमें लिखा है कि 8 बजे के बाद यहाँ पे मत रुकना, ठीक है, दरवाज़ों के पीछे मत छुपना, पता नहीं क्या क्या, ठीक है, जो कुछ भी है वो सब बात की बात है। अभी हम यहाँ पे फंस गए हैं और यहाँ का कुछ खास आइडिया अपने को है नहीं। हाई वोल्टेज है, हाथ नहीं लगाना भैया, करंट आ गया तो फिर ये क्या है? ये भी कुछ हाई वोल्टेज वाली चीज़ दिख रही है, इससे अपन को दूर ही रहना है। कुछ नहीं हो, ओके फाइनली यहाँ पे कोई चीज़ है जिस पे हाथ बने हुए हैं, ठीक है ठीक है। ये पावर सोख रहा भाई साहब, कतई थॉर की पावर आ जाएगी थोड़ी देर बाद, मेरे देखना मैं भी फिर चिल्लाऊंगा वेयर इज थैनोस, नहीं नहीं ब्रिंग मी थैनोस। ओके तो चलो सुपर पावर्स को अपने अंदर कब तक लेना है ये? ओ भाई साहब यहाँ तो कत्ते ही ब्लडी ब्लड है, बहुत सारा ब्लड है। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ करना है। इस सिर्फ इसमें थॉर की पावर से नहीं आने वाली, इसके हम कुछ तो करना है, डेफिनेटली कुछ तो करना है। क्या करूं मैं तो थॉर्स की पावर्स का करूं क्या? ओके टच विथ वायर टू पावर, वेट अ मिनट वेट अ मिनट, एक सेकेंड, ये कह रहा है कि हमें इस चीज़ को पावर देनी है राइट, और इसके लिए हमें वो प्लग को यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन कनेक्ट तो तब करेंगे ना जब हम उसको उठा पाएंगे या किसी तरह से यूज़ कर पाएंगे, ठीक है, हम नहीं कर पा रहे हैं, ना हम इसे उठा पा रहे हैं ना ही और कुछ। मैंने ये पावर यहाँ पे लगाई, ओके चलो मैं आ गया, टच विथ वायर टू पावर। तो तू क्या कहना चाहता है कि मतलब मैं इसको से टच करूं? ओके ओके तो हमें थॉर की शक्ति का इस्तेमाल समझ आ गया वहां ठीक है। और अब इसके आगे क्या? ओके इस वायर की कैपेसिटी खत्म हो रही, बस अब इससे ज्यादा दूर अब नहीं जा सकते, दैट्स कूल, पर करूं क्या? हाँ लेकिन कब तक? ठीक है मैंने किया, पर अब इसके आगे क्या? Someone please tell me, अब क्या होने वाला है? ये कह रहा है कि तुम्हें इसके साथ पावर कनेक्ट करना है और मैं करने को तैयार हूँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? एक सेकेंड, अरे यार ठीक है
कुछ तो करना ही होगा, डेफिनेटली कुछ तो करना है। ये हुआ ओके अब इसके आगे क्या करें? और ये कह रहा है कि इसको टच करो, मैंने कर लिया टच, ये हो गया चालू, लेकिन इसके आगे क्या? हिंट्स दो तो, थोड़ी साफ साफ दो आके समझ में तो आए। ठीक है अब ये स्टार्ट हो गया राइट, अब क्या करना है? कुछ हुआ, कोई गेट खुला कि एक मिनट, तो यहाँ पे भी एक वैसा सा वायर है सेम। ठीक है ओके हाँ हाँ, लेकिन ये पावर हम उसको देंगे कैसे? ओके हो गया। तो हमने इन दोनों को पावर देनी थी और हमने दी, ओके कूल। अब इसके आगे क्या करें, कहाँ चलें? चलो बताओ, हो गया तुम्हारा पावरफुल कनेक्शन, बन गए तुम शक्तिमान, अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक है तो थॉर की शक्तियों का बिल्कुल सही इस्तेमाल करने के बाद अब हमें क्या करना है? चलो चलते हैं, देखते हैं हम जिस गेट से आए थे वो गेट अभी भी बंद है या खुला। हेलो ओके खुल गया, बहुत बहुत धन्यवाद मुशी मुशी। चल चलते हैं, तो अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। ओके क्या तुम्हें भी वही दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? हाँ लाइट बहुत सुंदर है नहीं मजाक कर रहा हूँ, यहाँ से वो नीला कलर का जो टॉय था वो गायब है। कहाँ गया ये? GUHGY पता नहीं क्या मतलब है। फिर से एक ब्लू, ये चालू हो गया है। एक मिनट, जो यहाँ पे पावर सप्लाई ख़राब हुई थी हमने वहाँ जाके उसे ठीक की है राइट। अब गेट खुल चुका है और हम चले आगे। कुछ गया ना उधर से, देखा ना, ऐसा लगा जैसे कोई यहाँ पे कीड़ा चिपका हुआ था हमारे आते ही डर के भाग गए। अरे बड़े बड़े डर जाते हैं हमसे, तुम क्या चीज़ हो। तो ये अंधकार बहुत ज़्यादा मचा रखा है, इनको लगता है किलविश के रिश्तेदार हैं ये, अंधेरा कायम रहे टाइप। कोई नहीं, तुम किलविश के रिश्तेदार हो तो हम भी शक्तिमान के फैन हैं। बहुत ही ठीक, कोई नहीं, ये मशीन में से गर्म भाप आती हुई। चलते जाओ, ओए धोते जाओ, धो, हम चलते जाओ, ओके ठीक है। यहाँ एक एक करके पजल्स है और हमें इन्हें सॉल्व करते रहना। यहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं, एक फिर से एक पियानो की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये किसी तरह का गेट है मुझे लग रहा है जिसे हमें खोलना है, ये क्या है? एक कंट्रोलर, ठीक है कोई नहीं। यहाँ पे भी एक टॉय पड़ा हुआ है जिस पर बहुत सारा ब्लड लगा हुआ है, ठीक है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था यहाँ पे, जो इतना सारा ब्लड हर तरफ हर जगह लगा हुआ है, हर चीज़ों पे लगा हुआ है। यहाँ पे फाइनली एक ठीक है, तो इसमें हमें एक टेप लगानी पड़ेगी ताकि आप आगे का मैसेज सुन सकें। टेप तो तब मिलेगी ना जब कहीं होगी। हम ऊपर चढ़ के आ गए हैं, हम टेप ही ढूंढ रहे हैं, पहले काम करते हैं ओके। ए यहाँ पे क्या हुआ? ये हमने उसे लिया राइट, पर क्यों लिया, क्या लिया? रिमेंबर टू टेक ब्रेक्स, ओके धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। ये जो लिखे हुए हैं ये भी हमें गेम के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पे रेड ब्लू येलो और ग्रीन बटन्स है, और यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि कोई किसी तरह की चिप या कोई मिसिंग पार्ट जो यहाँ पे फिट होना चाहिए वो यहाँ नहीं है, और हमें इन जो पीसेस है उन्हें यहाँ पे लगाना है, रेड की जगह रेड को और ब्लू की जगह ब्लू और येलो ग्रीन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पीसेस ढूंढने होंगे मुझे लगता है। बहुत ही तेज़ और तीखी सी आवाज़ है यहाँ पे, और ये हम डायरेक्ट नीचे आ गए। हमें यहाँ पे चीज़ें ढूंढनी होगी ओके। यहाँ पे गेट है,
खोलो भैया खोलो। थैंक यू। वेट अ मिनट, यहाँ से चढ़ के वाह घूम फिर के वहीं आ गया मैं, ये तो वही जगह है। नहीं नहीं यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक सेकेंड, यहाँ टूटे हुए खिलौने के पार्ट्स के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ ज़्यादा ढूंढने से मतलब कुछ होने वाला नहीं है। देखो एक सेकेंड, ये ऊपर क्या है? अच्छा ये मुझे टेप जैसी लगी बस। यहाँ पे ये तो एक मिनट, ऐसी चीज़ हमने ऊपर देखी राइट, एक ब्लू कलर की सी, ये एक ऑरेंज कलर की सी लग रही है, ये ग्रीन कलर की सी लग रही है, और मैं ये सब ले रहा हूँ तो वो मेरे पास कलेक्ट होती जा रही है। ठीक है ओके, मुझे लगता है इसका और उसका ज़रूर कोई कनेक्शन है। वहाँ पे हमें चिप जैसी चीज़ चाहिए थी, ये तो चिप जैसी नहीं लगती, ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी जगह पे बम लगा के फोड़ना हो। एक सेकेंड, एक वो ऊपर रहा। ठीक है तो हमने चार कलेक्ट कर लिए हैं, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि इससे वो चीज़ काम करेगी, क्योंकि वो चीज़ एक चिप जैसी है और यहाँ कोई चिप का कनेक्शन ही नहीं लग रहा है मुझे। ये तो बिल्कुल किसी तरह के बम नहीं फोड़ते थे पहले, तो उठा के ऊपर रख दिया उस तरह की चीज। कुछ हुआ ना उधर, तुम लोगों ने भी नोटिस किया? ओके राइट 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 राइट, ये चिप जैसी चीज यही है, मतलब ये चिप तो किसी एंगल से भी नहीं लग रहा मुझे, ये तो किसी बहुत बड़ा कंट्रोलर या सीपीयू फैन जैसा लग रहा है मुझे। हालांकि जो भी हो, हमें इन्हें अपनी जगह पे फिट करना होगा। ओके ठीक है, हमने इस चारों को अपनी अपनी जगह फिट कर दिया है, और ये वहाँ पे एक रॉकेट जैसा कुछ लग रहा है। नहीं ओके, अभी रॉकेट एक रोबोटिक हाथ में बन गया है, इसने इसे ऊपर किया। ओ भाई साहब भाई साहब भाई साहब, थोड़ा पीछे रहो, ये इसने नीचे गिराया है एक रेड कलर का हाथ। ओके सारा फोकस इसी पे है भैया, मेरे ऊपर मत गिर जाना है ना, प्ले टाइम कॉरपोरेशन का है ये हाथ तो अच्छा है। मुझे लगता है इसका जो एक हाथ कम है रेड कलर का, ये इसी का पार्ट है। ओके ओके फाइनली हमने इसे यूज कर लिया, अब हमारे पास फाइनली दो हाथ हैं, रेड एंड ब्लू। वाओ थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभारी हूँ मैं। तो अब हमारे पास दो हाथ है और हमारे पास यहाँ पे अंदर जाने के लिए एक जगह है, चलो इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। एक मिनट है भैया, बेचारी बिल्ली। ओके लाल हाथ यहाँ रखा, नीला हाथ यहाँ रखा, पासवर्ड ट्रैकिंग हुई, और ये खुला खजाने का दरवाजा, खुल जा सिम सिम, लेट्स गो। अरे नीचे बैठ के जाना पड़ेगा ऐसा, हाउ टू सिट, बैठते कैसे हैं, नीचे झुक के कैसे चलते हैं। ओके कंट्रोल, समझ गया। अगर तुम लोगों को भी ऐसी कोई परेशानी हो ध्यान रखना, कंट्रोल दबाने से ये नीचे बैठ जाता है, कंट्रोल दबाने से कंट्रोल हो जाता है, समझ रहे हो, कंट्रोल होता है कंट्रोल। ओ ओके ओके, ये क्या था? एक बार और, बहुत मज़ा आया, फिर से। अरे यार ऊपर नहीं जा पा रहे, मज़ा बहुत आया वैसे, रोलर कोस्टर वाली फीलिंग आई पूरी। ठीक है चलो, डू नॉट एंटर। ओके ग्रैब द कंप्लीट सर्किट, तो सर्किट पूरा सर्किट अपन को पकड़ना है, ऐसा सर्किट पकड़ने का अपने को। ओ भाई आपको सर्किट पकड़ना है यार, क्या बात कर रहे हो, बहुत ही गंदी मिमिक्री की ना मैंने, सॉरी। ओ मुन्ना भाई MBBS, ये रहा सर्किट। ओ भैया मेरे को सर्किट मिल गया, वेट अ मिनट। तो मेरे पास सर्किट, इतना घूम के ऊपर आना पड़ा। एक मिनट, वहाँ पे एक सर्किट और है। As you can see, ये बंद है, इसका कोई कनेक्शन भी किसी के साथ भी नहीं बैठा हुआ है, और यहाँ पे ये अजीब सी चीज़ हमें सीधे सीधे कहीं आने जाने दे रही नहीं है।
क्या हम तेज चढ़ के भी नहीं जा सकते? नहीं जा सकते, तेज जाने की कोशिश करोगे तो भी गिरोगे, वो भी मुख्य बल। कोई बात नहीं, तो हमें ये तो दिख रहा है कि थॉर वाली पावर हमारे दूसरे हाथ में भी आती है, दैट्स कूल। और ये रहा हमारा पहला सर्किट जिसको हमें जोड़ना है, और ये मैंने जोड़ दिया, राइट। आई लाइक इट सक्सेना जी, आई लाइक इट। अच्छा वो सब छोड़ो, तो यहाँ तो हमने एक कनेक्ट किया है, बाकी ये कह रहा है ऑल सर्किट को आपस में जोड़ो, पर ऑल सर्किट दिखने भी तो चाहिए भाई साहब। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नीचे भी कुछ नहीं है, एक सर्किट दिखा जिसको हमने जोड़ा है। ग्रैब टू कंप्लीट सर्किट, यहाँ पे एक सर्किट नुमा चीज दिख तो रही है, लेकिन ये क्या हुआ? हेलो, अरे अरे अचानक अचानक चीजें क्यों करते हो यार तुम? ये पहले तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, वहां पे जोड़ा एकदम से कनेक्ट हो गया, मेरे को किसी तरह के रोलर कोस्टर में बैठा दिया। लोगों ने अंधेरे में ले जा रहे भगवान। राम 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 राम। क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ओह शिट, ये तो अलार्म बज रहा है और ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। ये भाई मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं सही कह रहा हूँ? ये मैं कहाँ हूँ, ये मैं कहाँ आ गया? ऐसी जगह लेके गया और अजीब अजीब से आवाजें निकाल रहा है कमबख्त। ओके ये हम कहाँ है? यहाँ पे बहुत सारे टॉयज पड़े हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड में ऐसा म्यूजिक बज रहा है जैसे मैं किसी बहुत बड़े मॉल में आ गया हूँ क्रिसमस के टाइम पे। मेक अ फ्रेंड, देखा सही बोला ना मैंने? ओके फ्रेंड वैन तो बन जाएगा। नीड्स पावर, ओके इसे पावर की जरूरत है। 1960 काफी पुरानी बात है, अभी इतना लंबा कौन पढ़े। हमें इसे पावर सप्लाई करना है। ये क्या है? नोबडी लिव विदाउट अ टॉय। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम देना हम ले जाएंगे, फोकट की चीजें लेने में मना किया आज तक। ये क्या है? एडॉप्ट एन ऑर्फन टुडे। ओ मैसेज तो बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। अब हमें इसे पावर सप्लाई देना होगा, दोनों के पास पावर सप्लाई नहीं है। ये कह रहा है नीड ए पावर, ओके कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेंगे। ऐसा क्या है जो हम नहीं ढूंढ सकते? तो हमें इसके लिए पावर सप्लाई चाहिए, पर पावर सप्लाई, एक मिनट खींचो, अरे खींचो, ये खींच नहीं रहा है। दोनों हाथों से खींचो, दोनों हाथों से लगाओ ताकत। एक मिनट मुन्ना तुम इसको पकड़ो, नहीं मुन्ना पकड़ो, खींचो दूसरे मुन्ना, तुम इसको पकड़ो, लगाओ ताकत, मुन्ना पकड़ो दूसरे मुन्ना, पहले मुन्ना, दोनों पकड़ के। अरे यार ना, नथिंग, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है तो यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसका मतलब यहाँ इस चीज से कुछ नहीं होने वाला है, हमें ऊपर चलना चाहिए। चलो हम आ गए हैं। सीढ़ियाँ भी बहुत ज़्यादा है यार, थक गया मैं चढ़ते चढ़ते यार, कम ऑन। ओके वहाँ की ऑरेंज टेप तुमको मिली ही नहीं, यहाँ पे एक पिंक टेप और रेडी है, पर इसमें डालने के लिए कैसेट भी तो चाहिए ना। हेलो बिन कैसेट के क्या पता चलेगा क्या है ये? ओ एक मिनट रुको, इधर आइए तनिक भैया, धन्यवाद। चलो तो हम आ गए, यहाँ पे एक पावर सप्लाई है। अरे यार तुम्हारी थॉर की पावर्स का इसका नाम टॉय फैक्ट्री नहीं थंडर फैक्ट्री होना चाहिए था। हर जगह बिजली की इतनी कटौती चल रही है कि भैया थंडर मैन बना घूम रहा है ये। दो इन दोनों कनेक्शन दो भाई साहब। क्या हुआ? हाँ तो एक सेकेंड, हमें किस किस को कनेक्शन देना है? ये क्या है? मुझे लगता है वैसी सी कहानी है जैसी हमने अभी करके आया ना, वैसी सी कुछ कहानी है इसकी। नीचे मत गिर जाना, कहीं मर मुरा ना जाए यार पहले ही है, राइट? भाई नीचे गिर जाएगा यार। एक मिनट हम इसको जोड़ सकते हैं, राइट? एक मिनट हम इसको जोड़ सकते हैं। रुको, सॉरी मैंने चीज देखी नहीं। आओ भैया तनिक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभारी हैं हम, इससे ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा। ओके शक्तिमान, शक्ति लो।
अब क्या करेंगे? पहला पावर हमने दोनों को पावर दे दिया है, अब तीसरा पावर हमें वहां देना है। ये क्या हो रहा है? ओके, हम इससे ज्यादा खुद को और आगे नहीं खींच पा रहे। क्या हम इसको उसे जोड़ सकते हैं? कोई तरीका तो होगा ही। एक मिनट, आओ भैया तनिक आगे। अरे यार ये क्या है, इसका कनेक्शन क्यों कट गया? वापस। ओके, या तो हम इधर ही इसको रख सकते हैं या हम उधर ही उसको रख सकते हैं। हम दोनों तरफ इसे नहीं रख सकते, राइट? नहीं, कोई राइट वाइट नहीं है, तो गलत बात है ये तो यार। मैं दोनों को सेम टाइम पे पावर कैसे दूंगा फिर? ये चीज तो कंफ्यूज करने वाली है। हमने इसको पावर दिया, हमने इसको भी पावर दिया, अब हमें उसको पावर देना था। शिट यार, ये चीज सही में समझ नहीं आ रही है मुझे बिल्कुल भी, ये कैसे होगा? कोई तरीका था, डेफिनेटली होने ही वाला है इसका। कोई नहीं, हम पता लगा के रहेंगे। अरे आवाज तो ऐसे आई जैसे भाई की टांगड़ी टूट गई हो। ओके, किसी तरह का इंटरव्यू था जिसमें कोई इसे पूछ रहा था कि भाई तुम टॉय फैक्ट्री में काम काहे करना चाहती हो, कौन जरूरत आन पड़ी तुमको इसी, कौन हो मजबूरी आन पड़ी तुम्हारी। देख यार, कनेक्टिविटी हमने हर तरह से करके देखी, इस बार अपने दिमाग को दूसरी जगह से लगाता है। इस एक मिनट भैया आओ, तनिक प्रभु मालिक देवता भगवान, प्रभु मालिक देवता भगवान। अरे इसको क्या हो गया यार, ये ग्रैब क्यों नहीं कर रहा है? रेड कलर का दिखाया तो रेड हाथ से ही करेगा, ऐसा है? ठीक है, ब्लू वाले हाथ छोड़ दे, सॉरी रेड वाले हाथ छोड़ दे, भैया तुम आओ। ये इनके तो बहुत ही कलर वाले लोग हैं भाई, रेसिस्ट हैं। रेड लिखा है तो रेड से ही होगा। एक मिनट, ये तो रेड से भी नहीं हो रहा है। पाप लगेगा तुझे, पाप लगेगा भाई, कसम से कह रहा हूँ पाप लगेगा। अरे पाप गया तेल लेने, ये तो हो जाएगा ऐसे ना कनेक्ट? अरे यार कुछ भी तो नहीं हो रहा है। तब तुहरे अम्मा यार, पागल आदमी, तब नहीं कर सकता था तू ये काम? इतनी देर से कर रहा हूं मैं, बेवकूफों की तरह पागल हूं मैं? नहीं नहीं पागल हूं मैं, फिर से चलो एक और बार ट्राई करते हैं, शायद इस बार हो जाए। अरे दादा धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु आभारी हूं आपका मैं मालिक। पर वेट, ये क्या हो रहा है? ये तो अभी भी वायर छोटा ही पड़ रहा है इसमें। हमें इन दोनों सर्किट्स में पावर देनी है, पर दोनों सर्किट्स में पावर अभी कैसे आएगी? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। नहीं नहीं तुम अपनी जगह सही रहो, एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। अब इसको हमने लिया, दूसरा हमने इसको आटे में लिया, हमने सांप की तरह दोनों को घुमाया। वेट, पीछे चलते हैं धीरे धीरे। ये थोड़ा लंबा, पर वो तो फिर भी पड़ेगा ही लंबा तो यार, ये कैसे, ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? आखिर क्या ट्रिक आजमाई जाए? ऐसा तो मैं क्या ही, एक मिनट भाई छोड़ देना, ऐसा तो मैं क्या ही करूं जिससे ये काम हो जाए यार। बस ठीक है, हमने इसको भी कनेक्शन में डाल लिया है। ओके 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 ओके, फाइनली हम पहुंच गए यहाँ तक भाई साहब, कमाल हो गया ये। भैया 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 पटा काम, हाँ डूड सच में यार क्या पजल है ये, सॉरी मतलब क्या पजल थी ये, सारा दिमाग का दही कर दिया आप कंप्लीट करते करते। ओके तो हमने पावर कनेक्शन दे दिया है, कूद जाए ना, जाने दे कहीं मर बुरा गया तो। ओके जब ये नीचे कूदता है थोड़ी देर के लिए चक्कर आता है, देखो इसको, ओ दम सीधा देरी दुनिया का बादशाह। ओके ठीक है, तो हमने पावर दे दिया है, पावर ऑन।
प्ले ऑन। कुछ भी तो नहीं हुआ। ओ भाई साहब, यहां तो करते ही आंखें खुल गई। इसके तो आंखें गोल गोल घूम रही है, मतलब झूम रही है। ठीक है ओके, तो अब इसके आगे क्या? एक सेकेंड, इनके इसमें कलर आ रहे, तुम देख रहे हो? खींचिए उठाओ, तुम हो खींचो भैया, तुम हो लगाओ ताकत। जब बाद हमारी फैक्ट्री फिर चालू कर लिए हम भैया, हम फैक्ट्री चालू कर लिए, अब हम पैसा कमाएंगे, अब हम करोड़पति बन जाएंगे। भाई साहब बंद फड़ी फैक्ट्री को चालू करती है, हम खिलौना बनना शुरू हुआ है आज। कुछ खिलौने गए अंदर जैसा कि तुम लोगों ने देखा, पर उससे क्या? स्टिल द क्वेश्चन इज दैट, अब आगे क्या? यही तो पजल है, यही तो सुलझानी है। कुछ आवाज आई ना अजीब सी, हेलो। मुझे लगता है यहां से कोई खिलौना बनके निकलने वाला है। एक कांच कब टूटा? मैंने नहीं तोड़ा। देखो देखो वो कुछ टॉयज हैं जो वहां जा रहे हैं। ठीक है, और ये एक टॉय बन के आया। थोड़ा अब थोड़ी आवाज शांत हुई है। यहाँ पे ये टॉय कितना उदास लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब इसको देख के बच्चा खुश होगा कि दुखी। और ये रुक गया। ये खिलौना हमने ले लिया ओके, ये खिलौना हमारे कलेक्शन में आ गया राइट ओके। ठीक है, मतलब ये खिलौना हमें कहीं ना कहीं तो काम आने वाला है। यहाँ पे हमने लिखा था नोबडी लीव्स विदाउट अ टॉय, हमें शायद वो खिलौना यहाँ रखना होगा मुझे। आहा, एब्सोल्युटली परफेक्ट, बढ़िया, एब्सोल्युटली परफेक्ट, शाबाश शर्मा जी, शाबाश, क्या बात है, पहली बार में पता लगा लिया। ओके ठीक है, तो अब हम इसके अंदर चलते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? स्टाफ ओनली। अरे हाँ मालूम है तुम्हारा स्टाफ, हम स्टाफ ही हैं पुराने वाले। लॉक है, ये भी लॉक है। ये क्या लिखा हुआ है? टू हेल ओके। आगे गो गो कौन लिखेगा? चलो छोड़ो ओके। ये क्या है अंकल? अरे अरे भाई साहब, अरे ये कौन है, कहां से आया है भाई, तेज भागो। अरे ये गेट फिर बंद कर दिया तुम्हारी तो। अरे यार ये भी बंद कर दिया। अरे शिट, दैट शिट। हाँ मैं भी वही कह रहा हूँ यार, इतनी जल्दी थोड़ी ना कोई मरते हैं। गेट अप, उठूं ओके उठ जाऊं, क्या मैं स्वर्ग में हूं? भाई साहब मैं पागल नहीं हूं, कत्ते ही नहीं हूं ना, एह मैं जा नहीं रहा दोबारा वहां पे। पहले मैं बंदोबस्त करूंगा यहां से भागने का। तो डरना नहीं है और मरना तो बिल्कुल नहीं है। तो यार जय बजरंग बली। अरे चल ना भाई, ये इतना अंधेरा क्यों है? अबे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं कहाँ हूँ? ये क्या हुआ? अरे कहाँ जा रहा हूँ? आंटी अंकल, एक मिनट, ये क्या है, ये क्या हो रहा है ये? ओह शिट, भाई 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 भाई, तेरे को तेरे चाचा की कसम भाई, तेरे को तेरे अंकल की। आ गया, नहीं नहीं डूड, क्या हो रहा है ये? अबे ओह शिट, अम्मी अच्छा ठीक है। तुमको क्या लगता है तुमसे डरते हैं हम? तुम जैसे हो कचरे पचरे बच्चे हैं हम, बच्चे हम, भगवान ये तो पीछे पड़ गया साला बहुत बड़ा।
जा जगह, ये कहाँ जा रहा हूँ मैं, ये कहाँ जा कह रहा हूँ मैं, जहाँ जगह मिल रही है भाग भाई। अबे नहीं 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 नहीं, अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, भागो, अबे कहाँ जाऊँ मैं, ओह शिट। 1000 एक बार हम फिर से आ गए हैं भैया बहनों, बहुत बहुत कमाल की, जो भी तुम कह लो, कमाल की टेक्नोलॉजी लेकर इतनी बार पार करने की कोशिश, लेकिन एक बार भी सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो पाई है। लेकिन 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 हम हार नहीं मानेंगे, हमें बस दौड़ना है, क्योंकि हमें रास्ता पता है, ऑलमोस्ट पता है, जो नहीं पता है वो पता चल जाएगा। चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो, अरे भाई चल 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 चल। तो ये लिटरली इसकी स्पीड मुझे लगता है धीरे तेज हो गई वापस, ये चलते चलो चलते चलो। अब यहाँ पे एक छोटी सी सुरंग आएगी जिसके अंदर हमें घुसना है नीचे की तरफ, राइट, हमें पता है यहाँ आने वाली है, किसी भी वक्त यहाँ ही होगी वो सुरंग। ये रही वो सुरंग और हम इसके अंदर घुस गए बहुत सेफ्टी के से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इधर 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 इधर, ओके ये क्या हो रहा है ये, ओके खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया। भाई दौड़ भाई दौड़ भाई दौड़ भाई दौड़। ये क्या हो रहा है, अबे इतना धीरे धीरे क्यों चल रहा है तू, तो तेज चल, ओके। और ये हम आ गए फाइनली बाहर, अभी क्या अभी क्या, हेलो, ओ भाई, अरे वो आ जाएगा, अबे मरवाने का काम कर रहा है तू, बंद है गेट बंद है, ओके मुझे लगता है हम यहाँ पे सेफ है, लेकिन यहाँ से आओ। गद्दारी कर बे, गद्दारी कर बे, यार गेट बंद था वो कैसे आया फिर। एक बार फिर, इस बार तो हम तुमको स्केप करके छोड़ेंगे नहीं भाई साहब, बच के जा नहीं पाओगे तुम इस बार। जय बजरंग बली, तोड़ दे इस नीले हगी बगी की नली। जल्दी 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 जल्दी, हमने ऑलमोस्ट बाहर तक का रास्ता ढूंढ लिया है, इसलिए इस बार हमें थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है जहां तक मैं समझता हूं। हम इसे बंद करके ही रहेंगे चाहे जो हो जाए, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा, तू लिख ले, मैं यहां से बाहर निकलूंगा निकलूंगा और जरूर निकलूंगा। यहां पे हम चले थे, यहां पे रास्ता हुआ था बंद, अब हमें वेट करना है, ये रास्ता फिर खुलेगा जल्दी, ओके। मतलब ये रास्ता हमें डराने के लिए थोड़ी देर के लिए बंद होता है, बाद में अपने आप खुल भी जाता है, ठीक है कूल। और यहाँ पे बिल्कुल धीरे धीरे चलता है, जैसे इसके पैरों में किसी ने मेहंदी लगा दी हो, कोई बात नहीं। और हम ये बाहर आ गए फिर से वहीं जहाँ पर हम लास्ट टाइम आए थे, अब ये भाई अटक गया है। हाँ तैयार, वो आ रहा है। हमने हगी बगी को हरा दिया, देखो वो तो खून लगा मर गया वो, पर हम बच गए, फाइनली हम बच गए, हमने कर दिखाया आखिरकार इस राक्षस मॉन्स्टर को हमने हरा ही दिया। यस यस, ये क्या हो रहा है, एक मिनट, क्या तुम वो देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं, हमें मुझे लगता है वहां तक जाना है और हम वहां तक जाके रहेंगे, और भी दूसरे रास्ते हैं अलग अलग जगह जाने के। कहाँ जा रहा है, यहाँ पे एक और टेप है, यहाँ तो मुझे कोई टेप दिख नहीं रही है यार, तुम लोगों को कोई बताओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या है क्या है क्या है क्या है, ओ जी मिल गई भाई साहब, ओ बाजी वाह, ओ भाई जी मिल गई टेप, हमको मिल गई, हमको टेप मिल गई, हम वीडियो देखेंगे, अच्छी वीडियो लगा ना भाई जी, ओके बताओ पॉपकॉर्न मंगाया गया। किस तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा है यहाँ पे, ये किसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बता रहा है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये ना यहाँ पे जो अब एम्प्लॉयज काम करते थे उन लोगों को इसने खिलौना बना दिया है, जैसे कि यहाँ पे कई दुखी और उदास, जितने भी खिलौने देख लो सबकी सबका चेहरा कितना उदास और थका थका सा लग रहा है, ऐसा लगा फांसी दे के मारा हो, खिलौनों को फांसी दे के मारा हो,
यहाँ पे लिखा है नो रन डेंजर टर्न अराउंड गो बैक स्टॉप, ये हर तरह से हमें मना कर रहे हैं कि भैया निकल लो। और हम कैसे निकल लें भैया, हम गेम खेलेंगे, हम गेम खेलने आए हैं, निकलने थोड़ी ना आए, निकलना ही होता तो गेम में एंटर ही क्यों होता है भाई साहब। यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी हैरी पॉटर से मिलती जुलती टिंग 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 की आवाज़ें आ रही है, वाह काफ़ी शांत माहौल है यहाँ पे, सुकून, आहा मन कर रहा सो जाऊँ, नींद आ रही है लिटरली। चलो चलते हैं एक और गेट, ये रही वो प्यारी सी पॉपी डॉल, इसकी रस्सी खींचेंगे क्या, खुल जा सेम सेम, क्या हुआ ये, You opened my case. हाँ बिल्कुल, मैं हूँ सुपर मारियो, मैं तुम्हें बचाया हूँ दानव से, एक सेकेंड तो गेम खत्म हो गया, बस इतना ही था। ओके तो फाइनली हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, हमने उस बड़े से नीले से हकी बकी राक्षस को हरा दिया है और इस प्यारी सी बच्ची को बचा लिया है, हालांकि ये बच्ची मुझे उतनी प्यारी लग नहीं रही जितनी प्यारी मैंने अभी पाओ बोला तुम लोगों, लेकिन जो भी हो जैसा भी हो मुझे खेलने में बहुत मजा आया। तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी, अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी तुम लोगों को भी डर लगा तो कमेंट करके बताना तुम लोगों को कितना डर लगा कितना नहीं, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बने रहना मेरे साथ इसी चैनल में, क्योंकि हम आगे इसका चैप्टर 2 चैप्टर 3 जितने भी चैप्टर रहेंगे सब खेलेंगे। और भी दूसरे गेम्स देखना चाहते हो तो मेरी दूसरी वीडियोस यहाँ जाकर चेक कर सकते हो। तो मैं मोहित शर्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ वीडियो पूरी देखने के लिए, बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे नए गेम नए वीडियो नए मज़े और नए डर के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।